बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू होम कुकिंग। आज मैं बना रही हूँ स्टफ्ड बेक्ड पोटैटोज। इसके लिए मैंने 3 पोटैटोज लिए थे, इनको मैंने बॉयल कर लिया था। 70% तक इनको पकाना है, फुल डन नहीं करना। स्टफिंग के लिए मैंने चिकन लिया, 200 ग्राम चिकन है। इसके मैंने चंक्स कर लिए थे छोटे छोटे से। अब इसको हमने कुक करने के लिए हमें स्पाइसेस ये चाहिए। 1/2 टीस्पून सॉल्ट लिया मैंने, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून कुटी मिर्च, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1/2 टीस्पून थाइम, अगर है तो डाल लें वरना स्किप कर दें, 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो और 1/2 टीस्पून मैंने पेपरिका पाउडर लिया। टॉपिंग के लिए हमें जो अज्जा चाहिए उसके लिए मैंने चेडर और मोजरेला चीज़ लिया है, 1/2 कप लिया है। 2 ये चिलीज़ लिया मैंने, एक रेड है और एक ग्रीन है। अगर आपके पास हैं तो ये डालें, वरना आप कैप्सिकम भी डाल सकते हैं, रेड और ग्रीन वाली। थोड़े से कॉर्न लिए मैंने, 2 टेबलस्पून बॉयल किए हुए हैं, और थोड़ा सा 1 टेबलस्पून हरा धनिया। मैंने टोमेटो लिया था, उसको मैंने कद्दूकश कर लिया था, या आप उसको ग्राइंडर में कर सकते हैं। ये 2 टेबलस्पून है इसकी, ये टोमेटो की पेस्ट हम डालेंगे इसके अंदर। पैन में मैं 1 टेबलस्पून ऑयल डालूँगी। अब इसके अंदर चिकन डाल देंगे उनको। हम इसमें कहेंगे, इसमें मैं 1 टेबलस्पून सिरका ऐड करूंगी। अब इसको कुक करेंगे। इसके साथ ही मैं मसाले ऐड कर दूंगी और टोमेटो भी ऐड कर दूंगी। इतने में चिकन भी हो जाएगा, मसाले भी हो जाएंगे। ये टोमेटो जो मैंने प्यूरी थी ये ऐड कर देंगे, सारे स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। चिकन ने पानी छोड़ दिया, अब इसी में हम इसको कुक करेंगे। देखिए इसने पानी छोड़ दिया, अब इसी पानी में इसको पकाएंगे और ये गल भी जाएगा। इसको भूनेंगे अच्छी तरह, ऑयल छोड़ने तक हम इसको पकाएंगे। चिकन हो गया अच्छी तरह से, इसका पानी ड्राई हो गया है। देखें मसाला इसका चिपक जाना चाहिए इसी तरह से, बस हमें ज़्यादा नहीं करना, बिल्कुल ड्राई नहीं करना। बस मसाला हो गया इसके साथ चिपक गया। अब थोड़ा सा मैं इसके ऊपर धनिया डालूँगी और थोड़ी सी जो मैंने ग्रीन चिली और रेड चिली है, ये बड़ी वाली मैंने ली है, ये इतनी तेज़ नहीं होती। अब इसको हम, ये डन हो गया, इसको हम अब स्टफिंग करेंगे। पोटैटोज को मैंने इस तरह से कट कर लिया और इसके अंदर से मैंने एक पोटैटो को मैंने निकाल लिया था इसके अंदर से सारा पोटैटो। अब दूसरा मैं आपको करके दिखा देती हूँ। इसको पहले आपने थोड़ा सा कट लगाना है इस तरह। आपके पोटैटोज इतने होने चाहिए कुक के ये इजीली निकल जाए, और ना ज़्यादा कच्चे होने चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने चाहिए। इस तरह से देखिए फोल्ड कर देंगे और यूँ इसमें से निकालते जाएंगे। ज़्यादा नहीं निकालना, थोड़ा सा साइडें उसकी मोटी रखनी है। निकालते जाना है इसके अंदर से सारा और होल कर लेना है। अगर हम ज़्यादा निकाल देंगे तो वो पोटैटोज बिल्कुल ही वो पतले से और वो सूख जाएंगे जब हम इनको बेक करेंगे। अब हम पोटैटोज की फिलिंग करेंगे। इसमें मैं सबसे पहले थोड़ा थोड़ा चीज़ डाल दूँगी नीचे, इस तरह इसकी ज़रा बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी चिकन की। अब इसके अंदर चिकन फिल करेंगे। चिकन आपने अच्छा सा डालना है नीचे दबा के इस तरह। अब इसके ऊपर चीज डालेंगे।
चीज भी आपने ज्यादा डालना है, थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर। इस तरह से हमने लगा देंगे ऐसे। इसको दबा देते हैं ऐसे। इसके ऊपर फिर मैं लगाऊंगी थोड़ा सा चीज। चाहे तो आप कॉर्न चिकन के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, जब पका रहे हो इसको ऊपर भी लगा सकते हैं। अब थोड़ा सा चीज मैं और लगाऊंगी ऊपर इस तरह, और ये थोड़ा सा मेरे पास चिली फ्लेक्स है, ये ऊपर डाल देंगे, और थोड़ा सा ओरिगैनो डाल देंगे। ये हो गया, एक हमारा रेडी हो गया इस तरह। ये हमारा एक टैटो रेडी हो गया। वो मैंने 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था। आजकल गर्मी है तो ओवन जल्दी प्री हीट हो जाता है, और इसको मैं 10 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए रखूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पोटैटोस रेडी हैं। आप इनको ट्राई करें, ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, और इनको बेक करके बनाएं। अगर आप बेक नहीं कर सकते, ओवन नहीं है आपके पास, तो आप इसको पतीले में रखें, जैसे आप पतीले में केक बनाते हैं, इसी तरह से आप पतीले में ये पोटैटोस भी बना सकते हैं। इनको ट्राई कीजिए और हमें बताइए कैसे लगे। अगर आपको ये अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।